Hi guys, so my name is Nisha Kaushik and I'm from IGDTOW. So today I want to share with you that I got placed in SAP Labs and so happy about it. And I'm so excited to share with you all my journey ki maine kaise kya kya kiya. So the best decision of my life was कि मैं पेप कोडिंग में आई. मैंने एडमिशन लिया, यूनिफाइड फाउंडेशन था वो पहले जहाँ मैं जिसमें मैंने फर्स्ट एडमिशन लिया था, उसके बाद वो लेवल अप हो गया. तो रजनीश ने हमें पढ़ाया था, रजनीश सर ने एक्चुअली. तो वो उन्होंने इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया, बिकॉज आई वॉज अ गर्ल जिसको कोडिंग बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती थी. आई डेंट लाइक कोडिंग दैट मच यार. बट येस, यहाँ आने के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, बट इतनी अच्छी कोडिंग लगने लग गई थी कि मैं सिर्फ यही करती रहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया रजनीश ने मुझे यूनिफाइड फाउंडेशन. देन मैंने थोड़ा सा लेवल अप भी किया था उसके बाद. यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम वाज हिज वे ऑफ टीचिंग. वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर. एंड फिर इसके बाद में उनकी डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड रिकर्जन. ओ माय गॉड, आई यूज टू लव. आई स्टार्टेड लविंग रिकर्जन सो मच. एंड इफ़ यू नो रिकर्जन, अगर तुम्हें आता है तो तुम डीपी बहुत ईजीली कर सकते हो. तो वो स्ट्रॉन्ग हुआ. फिर इसके बाद में आईपी बैच इंटरव्यू प्रेपरेशन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. सुबेश वॉज ऑसम एंड हिज ग्राफ स्किल्स, ओ माई गॉड, दैट वॉज लाइक ग्राफ सुबेश का बहुत ही अच्छा है. डी पी भी उसका बहुत ही अच्छा है. तो मेरे उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हुए. रजनीश के कॉन्सेप्ट एंड सुबेश के कॉन्सेप्ट वॉज लाइक अमलगमेशन ऑफ ऑसम थिंग दैट यूल गेट जब तुम दोनों बैचेस करते हो. तो मुझे, और वेन यू लुक बैक और तुम देखते हो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है और तुमने क्या क्या कैसे कैसे किया है, वेन यू कनेक्ट द डॉट्स, तो वो बहुत अच्छा था. मतलब मुझे फिर मुझे कोडिंग एक्चुअली समझ में आई थी कि ओके, जब एक क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर दोगे. तो वो ये वराइट, मतलब पेप कोडिंग और इस बैच में, रजनीश वाले बैच में, लेवल अप बैच में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है. आईपी का तो फिर तुम सोचो, अगर लेवल अप का इतना है तो आईपी का कितना होगा. तो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था. तो या एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल गाइज एंड कि आप पेप कोडिंग ज्वाइन कीजिए. सुमित भैया वाज लाइक यू, ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ उनसे. और जिस बीर भैया ने, उनकी वजह से तो मतलब प्रोजेक्ट का इतना अच्छा हुआ था. तो एंड TA ऑफ पेप कोडिंग, ओ माई गॉड, दे आर टू हेल्पफुल. स्पेशली आई वॉन्ट टॉक अबाउट आकाश भैया. तो इन सब ने, मतलब कोई एक इंसान यू नो नहीं कर सकता. तो दिस इज टीम ऑफ पेप कोडिंग जो बहुत सपोर्टिव है एंड वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हेल्पफुल. लाइक आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम ब्लेस्ड, यू नो, कि मैं यहाँ से पढ़कर गई हूँ और आई गॉट प्लेस्ड. सो दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. आई रियली वांट टू थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ पेप कोडिंग एंड दे आर लाइक माई आइडल. एंड येस, दिस इज इट. एंड येस, सो जैसे भी, मतलब जो भी प्लेस होना चाह रहा है और अपने कॉन्सेप्ट्स कोडिंग के बहुत अच्छे से क्लियर करना चाह रहा है, और स्पेशली वो लोग जिनको कोडिंग करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आई वुड हाईली रिकमेंड पेप कोडिंग. ज्वाइन कीजिए इसे. और येस, यू विल गुड टू गो एंड यू विल श्योरली प्लेस इन अ गुड कंपनी इफ यू विल बी वेरी सीरियस अबाउट इट एंड यू विल वर्क हार्ड. एंड जो वो लोग कहेंगे वैसे आप करते जाएंगे. तो then yes, that's it from my side. And yeah, stay safe from COVID and best wishes from my side for your placement season. And yeah, welcome to pep coding. Okay, bye bye guys.